सेंधवा में ग्रामीण थाना पुलिस ने दो अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मूल्य के गांजे के पौधे एवं अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने इन मामलों में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। ग्रामीण थाना परिसर में प्रेस वार्ता के दौरान एसडीओपी एमएस बारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पिसनावल के कनासिया फलिया में गांजे की खेती करने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खेत में दबिश देकर 115 गांजे के पौधे जिनका वजन 97 किलोग्राम है बरामद किए। गांजे की अनुमानित कीमत 2,10,000 रुपए बताई जा रही है। इसी मामले में आरोपी शंकर पिता गुलाब निवासी पिसनावल को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं एक आरोपी गोपाल पिता शंकर निवासी पिसनावल फरार है। इसी प्रकार ग्रामीण थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अवैध शराब तस्करी में एक कार सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि सेंधवा से कुछ दूरी पर स्थित निजी हॉस्पिटल के सामने एक कार को रोका और तलाशी के दौरान कार में 12 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की, जिसकी अनुमानित कीमत 1,27,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी जगदीश पिता मांगीलाल निवासी हरन गांव व राकेश पिता कैलाश निवासी राजपुर को गिरफ्तार कर लिया। ग्रामीण थाने को कल 2 महत्वपूर्ण मामलों में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई। एक मामला है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और एडिशनल एसपी महोदय के निर्देशन में गांजे के अवैध परिवहन और इसकी खेती इसको रोकने के संबंध में है, और दूसरा है शराब का एक प्रकरण है, अवैध शराब परिवहन के बारे में है। तो जिसमें फर्स्ट वाले मामले में है, जिसमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि पिसनावल गांव में किसी खेत में गांजे के पौधे लगे हुए हैं, तो वहां पर मुखबिर से जानकारी के आधार पर थाने की टीम वहां पर पहुंची, जिसमें गोपाल पिता शंकर जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसने अपना खेत किसी को शंकर ने अपना खेत गोपाल को दिया गया था 6 साल के लिए, कुछ पैसे ऐसे दे रखा था, तो जिसके दोनों के ऊपर थाना ग्रामीण में 625/20 8/20 NDPS एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। एक फरार हो गया जिसमें, और एक गिरफ्तार किया गया जिसमें, और उसी प्रकार से एक और गांजा जब्त किया गया इसमें। गांजा इसमें टोटल 115 पौधे हैं जिसका वजन है 97 किलो 115 ग्राम। सर इसकी कीमत, इसकी कीमत करीब 2,10,000 है। और इसी प्रकार दूसरा एक अवैध शराब परिवहन का है, जिसमें एक मुखबिर से खबर प्राप्त हुई थी, एक सफ़ेद रंग की मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार जो कि महाराष्ट्र तरफ से इधर आ रही है, तो जिसका फिर घेराबंदी करके उसका पकड़ने कोशिश की गई थाना ग्रामीण द्वारा, टीम द्वारा, तो जिसमें 2 व्यक्ति उसमें गाड़ी मिले, जगदीश पिता मांगीलाल हरण गांव और राकेश पिता कैलाश, ये राजपुर का है, तो जिनके पास से फिर पूछताछ के बाद गाड़ी तलाशी ली गई, जिसमें से 4 लाख रुपये की गाड़ी है ये, और उनके पास से 12 पेटी कुल 104 लीटर शराब जिसकी कीमत 1,27,000 रुपये है, और 2 मोबाइल जब्त किए गए। उसके आधार पर 34-2 का मामला 626/20 में ग्रामीण थाने में दर्ज किया गया। इन दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ के थाना प्रभारी BR वर्मा और पूरण सिंह मंडलोई और सब इंस्पेक्टर ढोले और नागराज सब इंस्पेक्टर और यहाँ की पूरी ग्रामीण। सर शराब कहाँ से लाने बताया? शराब के बारे में भी विवेचना में पूछताछ की जा रही है। किस ओर जा रहा था सर ये? सेंधवा उधर महाराष्ट्र से सेंधवा तरफ से आगे बढ़ रहे थे, तो इसको यहीं पे ढाबे के पास में प्राप्त। आरोपी द्वारा बताया गया कि शराब कहाँ ले जा रहा था, कुछ बताया? अभी इसकी पूछताछ की जा रही है, आगे विवेचना में जो जो आएंगे उसमें सभी को आरोपी बनाया जाएगा। अभी इसमें गांजे की जब्ती में कौन कौन फरार है? गांजे में एक व्यक्ति फरार है इसमें,